हाय दोस्तों, स्टडी तक 2.0 के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 के चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। तो हमारी पहली परिभाषा है द्रव्य का अवस्था परिवर्तन। देखिए, द्रव का अवस्था परिवर्तन क्या होता है कि द्रव का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन द्रव का अवस्था परिवर्तन कहलाता है। जैसे हमने उदाहरण के लिए जल लिया, जल को ठंडा कर दिया, तो यह बर्फ में बदल गया और बर्फ हो गया ठोस, और ठोस को जब ऊर्ध्वपातित करेंगे तो यह गैस में बदल जाएगा। तो हमने क्या देखा कि ताप परिवर्तित हो रहा है, ताप परिवर्तित हो रहा है, परंतु द्रव भी परिवर्तित हो रहा है ताप के साथ। तो परिभाषा क्या होगी कि द्रव का ताप के प्रभाव के कारण द्रव का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाना द्रव का अवस्था परिवर्तन कहलाता है। देखिए, द्रव के अवस्था परिवर्तन में द्रव की स्थिर ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा प्रभावित होती है। देखिए, हमारी अगली थ्योरी है, अगली परिभाषा है हमारी ठोसों के गलनांक। देखिए, ठोसों के गलनांक क्या होते हैं? वह ताप जिस पर कोई ठोस यौगिक गर्म करने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उस ठोस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। जैसे हमारे पास बर्फ है, बर्फ को जब हम 0 डिग्री सेल्सियस देते हैं तो यह वाटर में बदलने लगता है, पानी में बदलने लगता है, लिक्विड में। तो यह 0 डिग्री सेल्सियस जो ताप है यह पदार्थ का गलनांक कहलाएगा। हमारी तीसरी परिभाषा है द्रव का क्वथनांक। देखिए, द्रव का क्वथनांक क्या होता है? वह ताप जिस पर किसी द्रव के वाष्प ताप का मान वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, वाष्प दाब कहलाता है। देखिए, वो क्वथनांक कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। देखिए, क्वथनांक जो होता है वो निश्चित होता है। जैसे जल का 100 डिग्री सेल्सियस होता है, क्वथनांक निश्चित होता है। अब देखते हैं चौथी परिभाषा हमारी वाष्पन। देखिए, वाष्पन क्या होता है? वाष्पन होता है द्रव के ऊपरी सतह से द्रव के धीरे धीरे वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पन कहलाता है, वाष्पन कहते हैं। देखिए, द्रव को वाष्पन में अधिक सहायक होती है निम्न। देखिए, वाष्पन में अधिक जो परिस्थितियां सहायक होती है वो निम्न है। देखिए, पहला तो ताप, अधिक ताप होने पर वाष्पन अधिक होगा, और दूसरा है अधिक क्षेत्रफल होने पर वाष्पन अधिक होगा, तीसरा है उस पदार्थ की वाष्पशीलता। देखिए, अगर कोई द्रव जो वाष्पशील अधिक है तो वह अधिक जल्दी वाष्प बनाएगा। इसके बाद अगला है हमारा संघनन। ये हमारी पांचवी है, संघनन। संघनन किसे कहते हैं? देखिए, द्रव की वाष्प को ठंडा करके पुनः द्रव में परिवर्तित करने की क्रिया को संघनन कहते हैं। द्रव की वाष्प को ठंडा करके पुनः द्रव में परिवर्तित करने की क्रिया को संघनन कहते हैं। देखिए, द्रव की वाष्प अर्थात द्रव
की वाष्प को द्रव में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? हमारा संघनन कहलाता है। इसका उदाहरण है, जैसे उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या है? बर्फ से भरे ग्लास, बर्फ से भरे ग्लास के बाहर, के बाहर क्या होता है? पानी की बूंदें जम जाती हैं। पानी की बूंदें, ये काहे कारण होता है? देखिए, यह कंडेंसेशन संघनन के कारण होता है। देखिए, आपकी अगली परिभाषा है हिमीकरण और हिमांक, फीजिंग एंड फीजिंग पॉइंट। देखिए, फीजिंग क्या होता है? वह निश्चित ताप जिस पर द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है, द्रव का हिमांक कहलाता है। अशुद्धि की उपस्थिति में द्रव का हिमांक कम हो जाता है। देखिए, मान लो कोई हमारे पास द्रव है, यह द्रव जिस ताप पर कहे में बर्फ में चेंज होगा, वह ताप हमारा क्या कहलाएगा? वो ताप इस बर्फ के लिए फीजिंग पॉइंट होगा। और फीजिंग क्या है, अर्थात हिमीकरण क्या है? देखिए, द्रव पदार्थ को ठंडा करके ठोस अवस्था में परिवर्तित करने की क्रिया को जमना अर्थात फीजिंग कहते हैं। जैसे जल को ठंडा करने पर बर्फ में परिवर्तित करना, इसके बाद हमारी अगली परिभाषा है ऊर्ध्वपातन। इंग्लिश में बोले तो सब्लिमेशन। देखिए, सब्लिमेशन का प्रिंसिपल अर्थात सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल कि वे अभिक्रियाएं जिनमें कोई कार्बनिक ठोस पदार्थ गर्म करने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, तथा वाष्प को ठंडा करने पर पुनः सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है, तथा ठोस पदार्थों को ऊर्ध्वपातज कहते हैं। देखिए, इस अभिक्रिया में कार्बनिक ठोस पदार्थ क्या होते हैं? जिनमें जो ठोस रूप में होते हैं, और उनमें क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है, कार्बनिक ठोस पदार्थ कहलाते हैं। देखिए, ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया क्या है? देखिए, ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया में क्या होता है कि जैसे ठोस है हमारा, तो वो सीधे काहे में चेंज होगा वाष्प में, और यह वाष्प सीधे लिक्विड में चेंज हुए बिना ठोस में बदल जाएगी। यह अभिक्रिया हमारी क्या कहलाएगी? ऊर्ध्वपातन। देखिए, इस ठोस को इस ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया में क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातज। देखिए, ऊर्ध्वपातन जो क्रिया है, अवाष्पशील ठोस पदार्थों से वाष्पशील पदार्थों का शोधन व पृथक करने की एक विधि है। देखिए, आज से हमारा यह चैप्टर समाप्त होता है। हम अगले वीडियो में अगले चैप्टर की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।